इसकी मन मन की बात, इसका मन कुतुब मीनार है क्या? इसके मन से देश चला है? मन की बात करो, जनता की बात कर, आत्मा की बात कर, विकास की बात कर, दवाई की बात कर, वैक्सीन की बात कर, मन की बात साथ साथ है फिर है। अरे तेरी मन की बात तेरे घर में तो सुनी नहीं गई यार, देश में क्यों सुना रहा? अपने मन की बात रखा अपने पास, देश की बात कर, जनता की बात कर, विकास की बात कर, दवाई की बात कर, ऑक्सीजन की बात कर, डॉक्टर की बात कर, अस्पताल की बात कर, किसान के भाव की बात कर। इसके मन की बात, इसका मन कुतुब मीनार हो गया, इसके मन से देश चलेगा। देखते रहो कितने मर रहे हैं, किसी ने ऑक्सीजन के लिए, किसी ने रिक्शा में लाश धोई है। मन की बात सुने इसकी, जब रोना तो पड़ेगा, जब सारा देश ने कहा इस्तीफा दो दे देना चाहिए। ये तो वो लोकतंत्र का देश है जहाँ रेल मंत्री रेल दुर्घटना पर इस्तीफा दे दे, यहाँ तो गंगा में लाशें तैरी फिर हैं, शमशान के बाहर कुत्ते खींचते फिर हैं, ऑक्सीजन इन पर नहीं, डॉक्टर इन पर नहीं, अस्पताल इन पर नहीं, दवाई इन पर नहीं। जो थोड़ी सी वैक्सीन बनाई थी और ऑक्सीजन वह विदेश में बेच दी, इस्तीफा दे देना चाहिए कायदे से, नैतिकता के नाते। 7 साल के दौरान मोदी जी 8 बार रोली हैं अलग अलग एंगल से, अलग अलग कपड़ों में, आखिर करना क्या चाहते हैं वो? देखो जितनी आदमी बुरे कर्म करेगा उतने बड़ी रोगा, पब्लिक को संतुष्ट करने को कि न जाने अब ये थोड़ा सा शांत रह जा। लेकिन मोदी जी की एक इमेज ऐसी बनी हुई है कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है मोदी जी, अब मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान थर्राता है, तो रोने से फिर क्या मैसेज आएगा इनका? ये वो वाला नौटंकीबाज व्यक्ति है, इससे बड़ा ढोंगी मैंने इस वर्ल्ड में नहीं देखा। कभी रोता है तो कभी बताता है ये 56 इंच की छाती किस बात की, उससे तो लड़े जनता, कोरोना से लॉकडाउन में रहे जनता, चीन से लड़े सेना, इसके राफेल की क्या जरूरत है फिर वहाँ, जब पाकिस्तान दाढ़ी से थर्रा रहा। तो एक दिन वो सीतारमण बजट पढ़ रही, टीवी दिखा रहा है इनका वो बिका हुआ चैनल के पाकिस्तान में हड़कंप। अरे बजट इंडिया का पढ़ रही है, पाकिस्तान से क्या लेना देना? इन्हें दिन रात सपने पाकिस्तान दिखता, उसके नाम से डराते हैं लोगों को, ये इनका बहम जनता जान गई। ना रोना काम आएगा ना धोना काम आएगा, अब तो 24 में जाना पड़ेगा। देखिए ऑक्सीजन पूंजीपति की फैक्ट्री में थी, कितने की खरीदी? 3-3 हज़ार का सिलेंडर, 10-10 हज़ार का सिलेंडर। ये अनाज और उनके गोदाम में दे दो, फिर देखो कैसा तड़पा तड़पा के निकालते हैं, आम जनता खरीदेगी 200 रुपये। किसानों को एकदम से इतनी बुद्धि कैसे आ गई, ज्ञान कहाँ से आ गया सब चीज़ों का? ज्ञान तो जागते आ गया, पहले तो विश्वास करके सो रहे थे। अरे रिश्तेदारी में शादी हो, रिश्तेदार आ जाओ, उसे के पता साला चोर है, जब चोर खुल जाए तो निगाह रखे, अच्छा है तो साला चोर है, हुक्का बिठाओगे यही, भैंस भी यही खोल लेगा। हमें पता हमारी सरकार है, हमारे देश की सरकार है, लाए थे आराम से सो रहे थे गांव में, जब पता चला चोर है हमने निगाह रखी इनसे 6 महीने में, फिर यूट्यूब देखना शुरू करा, गूगल खोलनी शुरू करी, जानकारी लेनी शुरू करी। अभी तो ये मोदी जी का ये नारा होगा कि विपक्ष लाश बन के तैर रहा, भाइयों बहनों गंगा में लाशें नहीं थी, विपक्ष के लोग थे। अगले साल का और ले आए, ला के भर दिया गोदाम में, भाई जब तक ये रहेंगे, जब हमारा काम जब तक ना होगा जब तक तो रुकना पड़ेगा, हो सकता है 24 में और रुकना पड़े। किसान समझ गया, किसान आया दिल्ली की सरकार ढूंढने, सरकार थी गायब, बॉर्डर पर रोक लिया, पता चला दिल्ली सरकार दिल्ली में नहीं रहती, आजकल बम्बई में अपन हो गया उसका, वहाँ रह रही है, पूंजीपति उगर कानून वहाँ लिखे जाते हैं। अब किसानों को समझ में आ गया कि सरकार बीमार है, दो वैक्सीन चाहिएगी, वैक्सीन बनाई है किसान ने, दो रोज देगा इनको किसान और देश का मजदूर, दो वैक्सीन देगा, दो, एक 22 में एक 24 में, सरकार भी फिट देश भी। किसान किसान तो अपना आंदोलन कर रहा, किसान लड़ने को थोड़ी आया। किससे है आंदोलन, किससे है लड़ाई? भारत सरकार से है, पूंजीपतियों से है, जिनकी इसकी सरकार है कि देश को लूटो मत। देखिए जैसे कैमरे लगे होंगे होटलों के बाहर, चौराहे पर कि कितनी भूख लग रही है, रोटी मांगने जाओगे 60% भूख 60 रुपये की रोटी, 80% भूख, जितनी भूख उतनी रोटी उतने रुपये की, सब कुछ पैकेट में होने वाला है। चावल भी 200 ग्राम का पैकेट मिलेगा 40 रुपये, MRP लिखा होगा उस पर। केवल मलिक जी, 7 साल के दौरान बहुत सारी कंपनियां बिक गई हैं मोदी सरकार में, और संस्थान भी निजी कर दिए गए हैं, चाहे रेलवे हो, भेल हो, भारत पेट्रोलियम हो, या और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन किसान है, जो किसानों ने टक्कर दी है मोदी सरकार को, इनके पीछे क्या शक्ति है किसानों के पीछे? किसान तो किसान की आत्मा परमात्मा से लिंक रहे, किसान अपने दिल से खेती करे, धरती माता का सीना चीर के उगावे, देश को देवे, जो भाव मिल जाए उसे रख ले। आज तक लड़ने नहीं आया, झगड़ने नहीं आया। और रही बात मोदी जी की, मोदी जो है सच कहता था, मोदी का भाषण सुन लो कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, अपने वादे को पूरा कर दिया, ना देश बिकने दिया ना झुकने दिया, खुद ही बेच दिया। उसने ये कहा था किसी और को ना बेचने दूंगा, खुद ही बेच दिया, 7 साल में आधा बेच दिया।
हमें तो यहाँ आके पता चला दिल्ली के बॉर्डर पर आधा बेच चुका, ये शहर वाले जाग जाते पहले तो रुक जाता। अभी ये जो निजीकरण कर रहा, निजीकरण ये निजीकरण थोड़े बेचना, 2.5 लाख की कंपनी बेच दी 500 करोड़ में, कोई लेने वाला था ही ना भाई। तो दो हैं, दो इनके दोनों रिश्तेदार, तू बोल ली 400 लगे, मैं 450 लगूंगा। ये पूल कराने वाला भी यही है, ये दोनों बागड़ बिल्ले पूल कराते हैं पहले कि तू यहाँ तक बोलिए मैं यहाँ तक बोल लूँगा, रेल तेरी खेल तेरा, तेल तेरा खेत तेरा, तू इस पर नहीं बोल लेगा, तू इस पर नहीं बोल लेगा, सब कुछ इनकी सेटिंग पहले हो जाती है चारों की। हम दो हमारे दो सब काम पर लगे हुए हैं, सारे देश को निपटा का आज 50 साल पीछे देश है। जब हम 14 में इनको लेकर आए थे कांग्रेस को खराब समझ कर, जब 62 रुपये तेल खरीदता था किसान, आज 90 खरीद रहा। सरसों का तेल 190 हो गया है अब। हाँ 290 भी हो जाएगा, किसान की सरसों लूट ली 4000 में, वो पूंजीपति घर जाते रेट बढ़ जाता है ना। नदियों के किनारे बहुत सारी लाशें मिल रही हैं, मोदी जी अब वहाँ नहीं जाते, कहते थे मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। देखो उसकी खबर क्यों दिखा देगा वो मीडिया, तो जब उनकी सेट उनका बिका हुआ है। देखिए जो एक टीवी पे है वो बोल रहा था कि ये बी और डी है, ये बी और डी है 90% मीडिया, इनका जमीर मर चुका। ये तो बातचीत दिखाएंगे जब मोदी के पक्ष में हो, अभी देखना रैली शुरू होगी, चुनाव शुरू होगा, मोदी 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 मोदी, अरे 30 सेकंड के कई लाख रुपए जहाँ, ये सारे दिन मोदी चमका, इसके पेमेंट कौन कर रहा है भाई, ये कौन सी कंपनी पेमेंट कर रही है? अगर सर्फ का ऐड दोगे टीवी पर 30 सेकंड के 1 लाख रुपए लेना है, और ये सारा दिन दिखा है खाना खा रहे मोदी, अरे गुफा में सो रहे, सो जा तू अपना देश में दिखा क्या क्या हो रहा। देखो रामदेव सुर्खियों में आ गया, कदी कदी खराब आदमी सच बात कह दे, 24 घंटे में सरस्वती आती है। उन्हें डॉक्टर खिलाफ कुछ नहीं बोला, घुमा फिरा के दिखा रहा मीडिया, उसने कहा ये दवाई खराब है, दवाई कंपनी पर सवाल उठाए जो रिश्वत दे के लाइसेंस लेकर दवाई पास कर रही है, उन्होंने दवाई को खराब बताया, डॉक्टर को नहीं, उसने दवाई पर सवाल या निशान उठाए। और वो है भी ये हमारे देश की दवाई बाहर भेज के देख लो सारी रिजेक्ट है, मना कर दिया कि दवाई आपकी हम उस लिस्ट में नहीं है। हाँ वो तो है ही, बाहर वाले ले नहीं ना आदि, हाँ मिलावट भ्रष्टाचारी का देश है। तुम बाबा रामदेव की कौन करा ठीक है, अरे वो भी तो व्यापार, मैंने ये कहा कि 24 घंटे में एक बार चोर के मुंह पे भी सच बात आ जाती है। मैं नहीं, बाबा रामदेव का लाला रामदेव है, परंतु वो ये बात सही कह रहा है कि दवाई की कंपनियों में खराबी है। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, रामदेव खिलाफ तो पंचायत कर रहे हैं सारे सांड, हमारे गांव में 150 सांड सब पंचायत कर रहे हैं, सांडों की बोरी है पंचायत। वे कह रहे हैं गाय का गोबर महंगा, गाय का मूत्र महंगा, ये सांड कह रहे हमने इसका क्या बिगाड़ा है, हमारे बारे में बात ही नहीं करता है, सब बात गाय पे ही कर रहे हैं। रामदेव को भी बता देंगे पंचायत हो लग रही सांडों की, वे से पूछेंगे महाराज हमने तेरा क्या बिगाड़ा भाई। मैं रामदेव का समर्थन नहीं करता, मैं उसकी इस बात का समर्थन करता हूँ, उसने डॉक्टर को नहीं बोला दवाई को बोला। किसी बिरादरी में सब गुंडे हों क्या, कुछ ही को तो कहा जाएगा माफी। तो यार यहाँ तो जेल कौन जाएगा, जब जब वो सुप्रीम कोर्ट का क्या नाम है चीफ जस्टिस बेचारा, उसके खिलाफ तहरीर दुआ सके हैं ये, तो रामदेव तो सरकार के कहने पर चलेगा, उसे जेल जाना है। देखो मंदिर में हमन कर लो, अपने घर में कर लो, हमन करने से वातावरण शुद्ध होता है, बैक्टीरिया मारे जाते हैं, हमन में सामग्री डलती है, वो हमेशा से फायदे की है। किसानों ने अभी हवन किया, हाँ अभी क्या, हमन तो अच्छी चीज है, हमन अच्छी चीज है, पर उसमें ढोंगला करने की जरूरत नहीं है, मंदिर जाओ, अरे भगवान का नाम लेना ही ले लो, तो वातावरण को शुद्ध करती है सामग्री हमन की, मंत्र नहीं करते वो पहले से एक प्राकृतिक चीज है, तो हमें तो फायदे की चीज है, कहीं आ कर लो आप मना लें। उनका तो देखो उनका तो जाता समय है, और जाते समय आदमी खूब दावत पानी मौज मस्ती करके जावे, दो एक साल रह रहे हैं 24 में चल देंगे झोला ठाकर। देखिए यूपी का भी आएगा, आया था, कुछ लोग देर से जागते हैं, जब देश में क्रांति आजादी की लड़ाई की आंदोलन शुरू हुए तो सारा देश एक दिन थोड़ी सड़क पर आ गया था, 90 साल लगे, झांसी की रानी से शुरू होकर 1947 में हुआ, 1857 से 47 में 90 साल लगे, ये भी आ जाएंगे, समय आएगा सब आ जाएंगे। कल के क्या प्लानिंग है आपकी? विरोध दिवस मनाएंगे, झंडे लगाएंगे, इनके खिलाफ नारे बोलेंगे। किसी विधायक के घर भी जाएंगे बीजेपी के? नहीं विधायक के घर नहीं जाएंगे, कोरोना चल वो विधायक सब डरे हुए छुपे हुए, कहाँ जाएं विधायक के घर, का जाए विधायक गेट नहीं खोलते, विधायक तो कोरोना का नाम लेके और चुपचाप चोर की ढाल घर में सो रहे हैं कि कहीं कोई जनता ना आ जाओ ऑक्सीजन ना मांग ले। जब से आंदोलन शुरू हुआ है आपका दिसंबर के नवंबर के महीने से, टिकैत साहब को 4 बार धमकी मिल गई है, आपने FIR भी कराई है गाजियाबाद में, आप कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं? सरकार के लोग द्वारा, इन्हीं के चेले पेले होंगे, उन्हीं से अपना धमकी वमकी दुआ दे, पर ये पता नहीं है ये किसानों का मसीहा चौधरी राकेश टिकैत है, भबकी में नहीं डरते,
भबकी में नहीं करते, आंदोलन करना जानते हैं, ये 24 तक भी यहीं रह सके। ऐसा पहले कहते थे बक्कल तोड़ देंगे, अब नहीं कहते आजकल ऐसी बातें। नहीं जब जी जो जो समय जिस चीज़ का, मान लिया गर्मी है तो कूलर लगेगा, सर्दी है कूलर थोड़ी चलेगा, सर्दी में हीटर चलेगा। अब बक्कल तारने का मौसम था, बक्कल बोल दिया, अब कुछ और आएगा और बोल देगा, वो क्या किसे डर रहा। पर लोकतंत्र का देश है, लोकतंत्र का देश है। और ये जो तानाशाह बना फिर है ना जिनपिंग, ये सद्दाम हुसैन, ये हमने बनाया वोट डाल के, ये अंबादानी अंडादानी की फैक्ट्री में से नहीं आया। फिर दोबारा दौर आएगा, वही रुत आएगी, वही समय मिलेगा जनता को वोट डालने का, फिर कहाँ रहोगे। चलो किसान तो ये सोच लेगा अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, पर आपका क्या होगा जनाब आली, ये कहाँ जाएंगे, इनका क्या होगा।